हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल फार्मा वाली। आज हम लोग प्रोटीन का ओपिनियन लेके आए हैं। ये पार्ट फर्स्ट है और इसमें आज हम लोग कवर करेंगे इंट्रो, डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन, रोल, प्रॉपर्टी, क्लासिफिकेशन, डिजीज एंड क्वालिटेटिव टेस्ट। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। तो प्रोटीन सबसे पहले जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड से आया है। जैसे हर एक लैंग्वेज का एक वर्ड होता है, जैसे यहाँ के वर्ड्स होते हैं ना, संजू, मंजू, ये सब, तो प्रोटीन ग्रीक वर्ड से आया है। और प्रोटीन बेसिकली बॉडी की फर्स्ट इम्पॉर्टेंस होती है। प्रोटीन से ही हमारी बॉडी के सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए प्रोटीन हमारे बॉडी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट होती है। प्रोटीन बेसिकली हाई मॉलिकुलर वेट से बना होता है। इसमें पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड्स भी होते हैं। हाई मॉलिकुलर वेट का मतलब है छोटे छोटे एमिनो एसिड्स होते हैं, तो उन सब को मिला के उन सब से पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। हर एक चीज़ एक बॉन्ड से जुड़ी हुई होती है। ऐसे छोटे छोटे एमिनो एसिड्स एक दूसरे से, एक बॉन्ड से जुड़े होते हैं, उस बॉन्ड को बोलते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। और ये बहुत सारे होते हैं इसलिए इसे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। और ये बहुत सारी होने की वजह से ये हाई मॉलिकुलर वेट होता है। इसका मॉलिकुलर वेट बेसिकली 6000 से मिलियन तक हो सकता है। इसमें अल्फ़ा अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। अल्फ़ा अमीनो एसिड्स का मतलब होगा ऐसे अमीनो एसिड के, ऐसा स्ट्रक्चर किसी कंपाउंड का जिसमें अल्फ़ा पोजीशन पर लगा हुआ हो। और ये पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मूला ये रहा, CONHCO और इसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर NH। अब प्रोटीन्स होते हैं वो मतलब इतने ही कंपाउंड हैं, इन्हीं से ही प्रोटीन बनते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार तो हर एक प्रोटीन में पाए, हर एक अमीनो एसिड्स में पाए जाएंगे ये चार। लेकिन जो फॉस्फोरस और सल्फर अमीनो एसिड हैं ये कुछ ही प्रोटीन में पाए जाते हैं, दो तीन, जैसे आर्जिनिन, सिस्टीन, इनमें सल्फर पाया जाता है। अब स्टार्ट करते हैं, इतना तो इंट्रो हो गया, इसका डेफिनेशन हो गई, कॉम्पोजिशन। अब रोल के ऊपर आते हैं। तो रोल, इसका रोल क्या है प्रोटीन का? हर एक चीज़ का अपना रोल होता है, इसकी वजह से पढ़ते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोल से। तो इसका रोल होता है, ये स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क कॉप्सेल देता है, बताया जैसे यहाँ पे, ये सेल का स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क देता है। ये प्रोटीन एंजाइम भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स भी हो सकते हैं। एंजाइम बेसिकली ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन है ना, बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम। तो सारे एंजाइम होते हैं वो सब प्रोटीन होते हैं, और बस एक राइबोसाइम होता है जो कि प्रोटीनियस एंजाइम नहीं होता है। बाकी सारे एंजाइम प्रोटीनियस इन नेचर होते हैं। हॉर्मोन्स आ गया, मोस्टली सारे हॉर्मोन्स जो एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं वो सारे हॉर्मोन्स प्रोटीनियस इन नेचर ही होते हैं। मैंने मोस्टली बोला, कुछ एस्ट्रोल वगैरह भी होते हैं जो आपको हम नेक्स्ट चैप्टर में कवरअप करेंगे। प्रोटीन क्या करते हैं? एनर्जी भी देते हैं। जैसे बेसिकली देखा जाता है कि एनर्जी हमको फैट, कार्बो, इन सब से आती है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में फैट या कार्ब्स की, जब हम फास्ट रहते हैं तो इसकी खुद ही कमी हो जाती है, तो फिर हमारी बॉडी प्रोटीन को तोड़ के उसके बॉन्ड से एनर्जी को ले लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। नेक्स्ट क्या है पॉइंट? गिव ऑस्मोटिक प्रेशर, मेंटेन इलेक्ट्रोलाइट एंड वाटर बैलेंस। मतलब प्रोटीन से प्रोटीन चैनल्स होते हैं, वो ऑस्मोटिक प्रेशर को मेंटेन करते हैं हमारी बॉडी में। अगर हमारी बॉडी में ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन होगा तभी हमारी बॉडी में वाटर और मिनरल कंटेन या इलेक्ट्रोलाइट कंटेन एकदम इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। अब प्रोटीन्स की क्या क्या प्रॉपर्टी आ गई? ये सॉल्युबल इन वाटर, बेसिकली सारे प्रोटीन, मतलब मोस्टली सारे प्रोटीन सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। एसिड्स में सॉल्युबल हो जाते हैं और बेस में सॉल्युबल हो जाते हैं। पर सॉल्युबल हो गए मतलब पूरी तरीके से घुल गए है ना। अब प्रेसिपिटेट बाय सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स, लेकिन प्रोटीन्स हैवी मेटल्स के जो सॉल्ट होते हैं उनमें प्रेसिपिटेट होते हैं, उनमें सॉल्युबल नहीं होते हैं। नेक्स्ट प्रोटीन आ गई एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन, कोगुलेट ऑन हीटिंग। अब दो प्रोटीन हैं जैसे एल्बुमिन और ग्लोबुलिन, ये सिंपल प्रोटीन के अंदर आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सॉल्युबल नहीं होते। अगर आप इनको हीट कर दोगे तो ये कोगुलेट हो जाएंगे, जम जाएंगे। पहले ये लिक्विड फॉर्म में होंगे लेकिन अगर आपने इनको हीट कर दिया तो ये जम जाएगा। जैसे एग ले लो, हेन का एग ले लो आप, तो उसको अगर आप गर्म पानी में ऐसे बॉयल कर दो या हीट दे दो तो वो कोगुलेट हो जाता है, उसका वाइट वाला पार्ट, उसमें एल्बुमिन होता है ना। तो एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन कोगुलेट हो जाते हैं ऑन हीटिंग। और प्रोटीन की कैसे हम पहचानेंगे कि ये प्रोटीन है? तो प्रोटीन कलर रिएक्शंस देते हैं।
अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज़ क्लासिफिकेशन। प्रोटीन को हर एक चीज़ को जैसे क्लासिफाई किया गया, इस संसार में हर एक चीज़ों को क्लासिफाई किया गया है, वैसे ही प्रोटीन को भी क्लासिफाई किया गया सिंपल में, कॉन्जुगेट में एंड डिराइव्ड में। सिंपल प्रोटीन हर एक सिंपल चीज़, ये तो सिंपल हो गई, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हो गए। सिंपल में आ जाएगा एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन, ग्लूटेनिन। सिंपल का मतलब होता है इसमें सिंगल चेन होती है, ठीक है। जैसे एल्बुमिन, इसका एग्जांपल आ जाएगा एग या सीरम। ग्लोबुलिन का एग्जांपल आ जाएगा ओवा। हिस्टोन का एग्जांपल आ जाएगा न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, जो न्यूक्लियस के अंदर पाई जाती हैं वो हिस्टोन ऑक्टोमर फॉर्म में होती हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन होती हैं। अब आ गया ग्लूटेन। ग्लूटेन में आ जाएगा व्हीट एंड राइस। व्हीट एंड राइस आपने देखा होगा ग्लूटेनियस फ्री आते हैं, मतलब उसमें ग्लूटेन प्रोटीन निकाल दिया जाता है, उसके बाद ये बनाया जाता है। तो ये व्हीट एंड राइस आर ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ ग्लूटेन प्रोटीन। तो सिंपल में आ गया एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, हिस्टोन एंड ग्लूटेन। नेक्स्ट आते हैं कॉन्जुगेशन में। कॉन्जुगेशन में ये एक या दो से मिलके बनाए जाते हैं, ये कॉम्प्लेक्स प्रोटीन्स होते हैं, ये जैसे न्यूक्लियो प्रोटीन, फॉस्फो प्रोटीन, लिपो प्रोटीन एंड क्रोमो प्रोटीन। तो न्यूक्लियो प्रोटीन जिसमें न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस से रिलेटेड, तो न्यूक्लियो प्रोटीन ये वायरसेस में पाई जाती है। फॉस्फो प्रोटीन कीसीन में, मतलब मिल्क में पाई जाती है, मिल्क कीसीन प्रोटीन होता है। लिपो प्रोटीन ब्लड में पाई जाती है। क्रोमो प्रोटीन, क्रोमो का मतलब होता है कलर, कलर पिगमेंट, ऐसा जहाँ भी कलर वर्ड आएगा वहाँ पे क्रोमो वर्ड आएगा। सो क्रोमो प्रोटीन हीमोग्लोबिन वगैरह में पाया जाता है। हीमोग्लोबिन का रेड कलर क्यों होता है? क्रोमो प्रोटीन के वजह से ही हीमोग्लोबिन का कलर रेड होता है। नेक्स्ट आ गया डिराइव्ड प्रोटीन। ये इन सिंपल वालों से डिराइव्ड होकर बने, ये सेकेंडरी टाइप के प्रोटीन है। मेटा प्रोटीन एंड सेकेंडरी प्रोटीन। मेटा प्रोटीन मतलब इनिशियल प्राइमरी प्रोटीन भी बोल सकते हैं। अब सेकेंडरी प्रोटीन आ गया प्रोटियोसिस, पेप्टोन्स एंड पेप्टाइड। नेक्स्ट आते हैं हम इसके क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। देखो दो टाइप के टेस्ट होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्वालिटेटिव टेस्ट के बारे में। क्वालिटेटिव टेस्ट बताता है कि उसमें कितना अमाउंट का प्रोटीन है, कितना अच्छा प्रोटीन है, क्या एडल्ट्रेशन है, क्या कुछ किया गया, उसकी क्वालिटी कैसी है। एंड क्वांटिटेटिव प्रोटीन बनाता है कि उसमें क्वांटिटी है या क्वांटिटी है ही नहीं, मतलब वो प्रोटीन प्रेजेंट है, प्रोटीन क्या कुछ भी चीज़ वो प्रेजेंट है या नहीं है, ये बताता है क्वांटिटेटिव। पर यहाँ पे हम क्वालिटेटिव टेस्ट करेंगे कि उसमें कितना मिलावट है, कितनी रियल में प्रोटीन है। तो ये कलर रिएक्शन से पता करते हैं, या तो कलर रिएक्शन होगा या स्मेल रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ। तो सबसे पहला आ गया बायोरेट टेस्ट। तो बायोरेट टेस्ट में हम क्या करते हैं, टेस्ट करने के लिए हमको रीजेंट चाहिए, उसके बाद कलर पता चलेगा। तो रीजेंट में आ जाएगा CuSO4 प्लस NaOH। बायरेट का रीजेंट हो जाएगा कॉपर सल्फेट एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका कलर होगा पिंक टू पर्पल। देखो प्रोटीन के मोस्टली कलर पिंक टू पर्पल ही होते हैं, ठीक। अब दूसरा आ गया निनहाइड्रिन टेस्ट। निनहाइड्रिन टेस्ट में रीजेंट हो जाएगा निनहाइड्रिन सोल्यूशन हो जाएगा। निनहाइड्रिन सोल्यूशन को जब हम प्रोटीन में डालेंगे और अगर उसको हीट कर देंगे तो उसमें पर्पल कलर आ जाएगा। ये निनहाइड्रिन टेस्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एमिनो एसिड का मोस्ट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। तीसरा आ जाएगा ज़ैंथोप्रोटिक टेस्ट। इसमें हम रीजेंट यूज़ करते हैं HNO3 नाइट्रिक एसिड, और इसमें जो कलर आता है वो वाइट PPT बनता है। जब हम प्रोटीन लेंगे उसमें HNO3 डालेंगे तो वाइट कलर का PPT फॉर्म हो जाएगा, प्रोटीन कोगुलेट हो जाएगी, और फिर अगर हम उस चीज़ को हीट कर देंगे तो वो येल्लो में हो जाएगा, येल्लो कलर का। नेक्स्ट आता है मिलन्स टेस्ट। मिलन्स टेस्ट बेसिकली टायरोसिन के लिए ही करते हैं। इसमें जो रीजेंट यूज़ करते हैं वो करते हैं 10% HgCl2 मर्क्यूरियस क्लोराइड। इसमें मिलन्स टेस्ट में मर्क्यूरियस क्लोराइड टेस्ट यूज़ करते हैं, और इसमें H2SO4 भी यूज़ करते हैं, मतलब एसिड यूज़ करेंगे और मर्क्यूरियस क्लोराइड। देखो यहाँ पे बताया था प्रेसिपिटेट बाय सॉल्ट ऑफ हैवी मेटल्स। यहाँ पे मर्करी क्या है? हैवी मेटल्स है। तो यहाँ पे ऑब्वियस है कि इसका प्रेसिपिटेशन होगा, तो इसका कलर आ जाएगा वाइट और इसमें PPT फॉर्म होगा वाइट कलर का। नेक्स्ट आते हैं लेड एसिटेट की तरफ। लेड एसिटेट सल्फर के लिए होता है। देखो कुछ प्रोटीन, कुछ एमिनो एसिड, कुछ टेस्ट ही होते हैं जो सल्फर और फॉस्फोरस के लिए होते हैं, यहाँ पे बताया था। तो लेड एसिटेट टेस्ट है वो सल्फर के लिए होता है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हम प्रोटीन लेंगे और उसमें इस रीजेंट को डाल देंगे, लेड एसिटेट रीजेंट को, तो इसमें क्या करेगा, एमिनो एसिड जो प्रोटीन के एमिनो एसिड्स होंगे वो स्प्लिट हो जाएंगे, टूट जाएंगे, ब्रेक डाउन हो जाएंगे। जब इसको हीट करेंगे, अल्कलाई मीडियम चाहिए जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड या
बेसिक मीडियम चाहिए। इसके प्रेजेंस में जब डालेंगे तो अमीनो एसिड अलग अलग हो जाएंगे, फिर इससे सल्फ़र भी अलग हो जाएगा। अमीनो एसिड का सल्फ़र होगा फंक्शनल ग्रुप, तो वो अलग हो जाएगा। फिर ये रिएक्शन करेगा लेड के साथ, और जब ये सल्फ़र जब लेड के साथ रिएक्शन करेगा तो ये ब्लैक कलर का फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट आ गया साकागुची टेस्ट। तो साकागुची टेस्ट आर्जिनिन के लिए होता है। ये एक्चुअली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स के लिए हो रहे हैं। देखो, लेड एसीटेट सल्फर, एसीटेट सल्फर, एसीटेट सल्फर, साकागुची आर्जिनिन, साकागुची आर्जिनिन, जी जी, ओके, जी जी। तो इसमें रीजेंट यूज़ करते हैं अल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल यूज़ करते हैं इसमें, प्लस इसमें सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड भी डाल देंगे। साकागुची टेस्ट में सबसे पहले अल्कोहलिक अल्फा नेफ्थॉल लेंगे, उसके साथ सोडियम हाइड्रोब्रोमाइड डाल देंगे, तो ये जो कलर देगा वो रेड कलर का देगा। नेक्स्ट आ गया सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। इसमें रीजेंट क्या करते हैं, यही ये खुद ही नेम है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड अमोनिकल सॉल्यूशन, इसका रीजेंट यूज़ करते हैं, और इसमें भी रेड कलर होता है। तो देखो, इसमें तो रेड कलर ही हो गया, इसमें ब्लैक पीपीटी लेड के साथ करेगा रिएक्शन सल्फर, तो ब्लैक पीपीटी देगा। मिलन्स में वाइट पीपीटी आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे HgCl2 है, और मरकरी कैसा, मरकरी मोस्टली वाइट रिएक्शन ही देता है सिल्वर कलर की, और ये क्या बोलते हैं, ये जेंथोप्रोटिक है, ये येलो देगा, और पाइरोक्विनोन नाइट्रिन पर्पल या ब्लू कलर देंगे। ओके, आप आते हैं डिजीज़ के ऊपर। तो डिजीज़ क्वाशियोरकर और मरास्मस, ये दो डिजीज़ हैं जो बच्चों के लिए होती हैं, बाकी की ये एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म से बड़ों के लिए होते हैं। तो क्वाशियोरकर में देखते हैं कि इसे PEM भी बोलते हैं, ठीक है। इसमें आ जाएगा चिल्ड्रंस के लिए होती है, और इस चिल्ड्रंस उन चिल्ड्रन को होती है जिनकी एज 1 ईयर से ज़्यादा हो, मतलब 1 ईयर से कम है अगर बच्चा तो उसको मरास्मस डिजीज़ हुआ है, और अगर 1 ईयर से ज़्यादा है बेबी तो उसको फिर क्वाशियोरकर हुआ है। इसमें ईडीमा फॉर्म होता है, पिगमेंटेशन हो जाएगा, क्रैक्स आ जाएंगे, एबनॉर्मल माइंड हो जाएगा बच्चे का, मेंटल रिटार्डनेस हो जाएगी बच्चे में, दिमाग से कमज़ोर हो जाएगा। मरास्मस 2 से 6 महीने बच्चों के लिए हो जाता है, एज इनकी 2 से 6 महीने। इसमें बच्चे थिन हो जाते हैं, इनको डायरिया भी होने के चांसेस होते हैं। इसमें इडीमा नहीं होता, ये इंपॉर्टेंट चीज़ फंक्शन पूछ देते हैं, इसमें इडीमा नहीं होता और इसमें इडीमा हो जाता है। इडीमा का मतलब होता है शरीर को स्वेलअप कर जाना, इन्फ्लेमेशन हो जाना, उनमें पानी भर जाना, इडीमा का मतलब ये होता है, और इसमें बॉडी का वेट लो हो जाएगा। आप एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की तरफ आते हैं, तो ये पहला हो गया फेनिलकीटोन्यूरिया, दूसरा हो गया एलकैप्टोन्यूरिया, तीसरा हो गया एल्बिनिज्म, चौथा हो गया टायरोसिनोसिस। ये प्रोटीन्स के एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म की वजह से होता है, प्रोटीन ज़्यादा है कम है। फेनिलकीटोन्यूरिया में क्या होता है, एक फेनिल एलानिन नाम का एमिनो एसिड होता है, तो वो बॉडी में टायरोसिन को कन्वर्जन नहीं कर पाता, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो पिगमेंटेशन नहीं हो पाता बॉडी में, टायरोसिन पिगमेंट को कॉज करता है। अब ये फेनिलकीटोन्यूरिया फेनिल एलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं कर पाएगा, तो फिर पिगमेंटेशन बॉडी में कलर नहीं आएगा, कलर जैसे हम लोगों का होता है ना, कुछ कुछ लोगों का डी पिगमेंटेशन हो जाता है, वही चीज़। अब ये आ गया एलकैप्टोन्यूरिया, इसमें यूरिन ब्लैक हो जाएगी क्योंकि वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन से रिएक्ट करके ब्लैक हो जाएगी। तीसरा आ गया एल्बिनिज्म, और चौथा आ गया टायरोसिनोसिस। तो गाइज, आज हम लोगों ने इंट्रो देख लिया, डेफिनेशन, कॉम्पोजिशन, रोल, प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ देख लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और ये 1 पेज में ये एक टाइप का कीवर्ड ही समझना, मैंने इसमें ज़्यादा कुछ लिखा नहीं है, ये कीवर्ड ही है आपको, ताकि लास्ट मिनट पे अगर आप एग्जाम देने जाएँ तो आपके पास अगर 5 मिनट भी हो तो आप इसको एक बार ऐसे नज़र डालें, और आपने ये सारा कुछ माइंड मैप्स को आप समझ लें आप बिल्कुल से, क्योंकि ये सब कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन इससे ज़्यादा होता भी नहीं। सो प्लीज़ गाइज, लाइक, सपोर्ट, शेयर, सब्सक्राइब, एंड थैंक यू। अब दूसरे पार्ट में हम मिलेंगे अमीनो एसिड्स लेके, जो इसका ओपीएम का सेकंड पार्ट होगा। सो थैंक यू।